से भाई मोहम्मद रफ़ी अब आज का रोशन करते हैं। तो कैसे यार, सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सीन या क्या, जुम्मे मेजर साहब साहब को जुम्मा मारे को अभी ये पीछे मस्जिद है हमारी यहाँ पे नज़दीक, यहाँ पे अजान हो रही है। तो जो हमारी हमने दूसरी मस्जिद में जाना होता 2 बजे जुम्मे, तो अभी रेडी हो गया हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। टोपी रख ली मैंने, तो जुम्मे की नमाज़ से वापसी पे आके ना फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। वन आवर लेटर गाइस, यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के आ गए हम जुम्मे के। ठीक है, और सीनियर के भी मामा ने चावल बनाए हुए हैं एज़ यूजुअल। हमारे जो है जुम्मे वाले दिन हमारे घर में चावल बनते हैं, तो अभी चावल खाते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मज़े करते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चावल आ गए। ठीक है, और ये समी भाई ने आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिए हैं, अब भाग गए इधर। और अहमद भाई कैसे बने चावल फिर बताएं? बहुत मज़ेदार यार, आपकी मैंने लुक नहीं दिखाई माशाल्लाह, जो आपने मामा वगैरह बांधा हुआ था जल्दी ही उतार लिया आके। अहमद भाई ने भी जाना है तकरीबन 3 बजे एकेडमी जाना है। अहमद भाई आपने सिपारा पढ़ने पहले 3 से 4 सिपारा पढ़ूंगा 7 बजे हो गए फिर अहमद भाई 7 बजे आएंगे। अभी ज़रा पता नहीं वो टेक्नो गेमर्स को देख रहे हैं, कोई वीडियो गेम शेम देख रहे हैं, तो अभी खाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई किस तरह के चावल बने। भाई अभी आपको ज़रा टेस्ट करके बताते हैं किस तरह के बने, ऊपर रायता भी डाला है। ठीक है अहमद भाई, अब खिलाएंगे। मज़ेदार है, मज़ेदार, अभी खा लेते हैं, मज़ेदार। और खाने के A few moments later. तो यार यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा था। ठीक है, ये कोई मॉडल वगैरह ना ट्रेन कर रहा था, मैंने कहा यार थोड़ी सी ना वीडियो वगैरह बना देता हूँ। तो ये मॉडल ट्रेनिंग है सारी, ये कैट के ऊपर कर रहा था, मैंने बता देता हूँ आपको। Tomorrow. तो गुड मॉर्निंग यार, अभी सुबह सुबह का टाइम है। ठीक है, तो सीन ये क्या, सैटरडे है। ठीक है, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 9 बजे का, पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो सीन ये कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, तो फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए थे। अभी सीन ये कि हम कपड़े लेके जा रहे हैं छत के ऊपर ना, तो ये कपड़े छत के ऊपर बिछाने हैं। और ये समी भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। समी भाई आपके साथ नहीं बैठा हुआ, मैं तो सोफे पे बैठा हूँ। ये मेरे साथ नहीं बैठी, चले फिर साथ। ये तो अभी आप आगे फंस रहे हैं। अच्छा बताओ ना, छत बिठा दें? नहीं आप जाएं, मैं बाद में दूसरे कपड़े लेके आऊँगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर आप आ जाइएगा। अभी समी बाद में कपड़े लेके आएगा। और अहमद भाई इधर बैठे हुए हैं, ज़रा ये थोड़ी ना बेहूदा हालत में। हाँ पिछली बार भी एक दफ़ा था, तो अभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं छत के ऊपर और कपड़े बिछा के आते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नाश्ता करते हैं और सारे ना अपने काम कंप्लीट वगैरह करते हैं। लेटर गाइस, ये देखिए अभी समी भी देखने के लिए जा रहा है पानी टंकी में, ताकि फिर ना उस लिहाज से फिर हम मोटर वगैरह चलाएंगे इतने मिनट भी। अभी ऊपर पानी देखिएगा, और ऊपर देखिए हल्के हल्के बादल हैं, तो अभी बारिश बताई हुई थी। ये देखें अभी पानी देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पौधे चेक करें। ये मेरे ख्याल से जो है लेमन का है। ठीक है, ये पुदीना लगा हुआ है यहाँ पे ना, ये वो नहीं होते जो मेरे ख्याल से, ये भी लीमू का ये देखें यहाँ पे ना, उधर एक लीमू निकला वो लग गए यहाँ पे, ये फूल वगैरह इसके, और वो भी पुदीना लगा हुआ है यहाँ पे देखें, ये भी लेमन का है, पुदीना लगा हुआ है साथ। ये देखें, ये एक लेमन लग भी चुका है माशाल्लाह, और ये है लेमन ग्रास का सारा। ठीक है, उसके अलावा ये भी लेमन ग्रास का है, इसका मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बता दें। और ये एलोवेरा है। ठीक है, और धूप आ गई बिल्कुल सर के ऊपर, अभी 9 बजे का टाइम है, तो बारिश का बताया हुआ है इन लोगों ने, हल्के हल्के बादल हैं, तो अभी कपड़े भी छा लेते हैं जल्दी से, ताकि ना सो जाए फिर। वन इटर्निटी लेटर फाइनली यार कपड़े बेचिए हैं, देखिए मैंने तौलिए डाल दिए, पैंटें जरा इस तरह डालते हैं ना, ये बड़ी हैवी किस्म की फिर सूख जाती हैं, आधे घंटे तक ना ये सूख जाएंगी, फिर इनको पलटूंगा एक दफ़ा, और वो सामने भी डाल दिए कपड़े। ठीक है, पर वो थोड़े से रह गए नीचे कपड़े, तो ये देखें ये सारे कपड़े हो गए हैं। समी भाई अभी इधर टोपी और ये ना सॉक्स वगैरह रख रहे हैं, तो अभी ये हो गए, थोड़े से रह गए, फिर चलते हैं घर। 2000 years later फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े डाल के आ गए। ठीक है, अभी सीन ये कि मुँह धोऊंगा मैं जाके, 9:30 हो गया। ठीक है, देखें तकरीबन 10-15 मिनट लगी गए। ठीक है, तो अभी मुँह धोता हूँ जाके, और फिर इंशाल्लाह ताला ना नाश्ता वगैरह मामा लोग बना रहे हैं, तो फिर नाश्ता करते हैं। A few moments later अभी हम कपड़े डाल के आ गए थे, और अभी हम नाश्ते के लिए बैठ गए हैं, और ये ज़फ़ा भाई मेरे साथ में, ज़फ़ा भाई इधर आए। ये देखें, ये डेली व्लॉगिंग नहीं बनाते, और काफ़ी टाइम हो गया, अभी जो आगे मैंने मोबाइल पकड़ा है। अच्छा, और अभी नाश्ता करते हैं, अभी अहमद भाई भी मुँह धो के आ रहे हैं, तो आपको अभी नाश्ता मिल गया। अरसे के बाद आप व्लॉग बना रहे हैं, आप डेली व्लॉग बनाते हैं इंशाल्लाह, आज ये वाला जो व्लॉग है ना ये पोस्ट करेंगे, आप कहेंगे इसके बाद से डेली होगा, चैलेंज भी नहीं हुआ ना अपने, कोई बताएं आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा चैलेंज करना है। ठीक है, तो समी भाई को मैंने बोला खुद कोई चैलेंज सर्च करें। A few moments later
गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चाय इधर आ गई है, ठीक है। और दाल यहाँ पे पराठे रखे हुए हैं और अहमद भाई ने ये देखिए मलाई इधर खा रहे हैं बड़े मजे से। अभी हलवा रहता है और सभी भाई हलवा रहता है, फिर आप खाएंगे हलवा? नहीं खाओगे। और ये देखें अहमद भाई को, अहमद भाई फिर अभी बड़े मुश्किल से हालत में आए हैं इधर शर्ट पहन के, ठीक है। तो अभी खाना खा लेते हैं और मजे का। यार यहाँ पे हलवा बन रहा है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ गर्म तो नहीं है कहीं, ये चेक करें। माशाल्लाह बेसन का हलवा किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर करें, मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अभी ये पानी है ना थोड़ा थोड़ा इसके अंदर, तो वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। अभी इसको रखा हुआ चूल्हे के ऊपर, इतने में ये हो जाता है ना, फिर ये भी खाएंगे इंशाल्लाह। अभी तकरीबन टाइम 11 बजने वाला है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना मैं हम लोगों के साथ काम करा था, ये भी मैंने चादर बिछानी है इसके ऊपर बेड के ऊपर, ठीक है। और तकिए वगैरह मैंने वो कर दिए हैं सारे, मतलब सेट कर दिए हैं। बाकी डस्टिंग वगैरह थोड़ी सी करनी है कमरे की, और फिर ये कमरा रेडी करना है, क्योंकि ना 11 बजे आ जाएगा बिलावल ट्यूशन के लिए, तो उसको फिर ट्यूशन भी पढ़ाना है। One eternity later. तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा थोड़ा बहुत खत्म हो गया, ठीक है। पीछे थोड़ा सा काम रह गया, वो समी और ना आप लोग कर रहे हैं, तो अभी सीनियर के तकरीबन टाइम हो रहा है 11:15 का, और बिलावल आ गया मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। बिलावल देख यार शर्मा क्यों रहा है, तो अभी इसको मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, 12:30 तक। तो फिर इंशाल्लाह ताला नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो अभी इसको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, फिर आपसे तकरीबन 12:30-1 बजे टाइम मिलते हैं। यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल को ट्यूशन वगैरह मैंने पढ़ा दी, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 1:15 का, तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी कॉल आई थी बीच में मुझे पार्सल वाले की, तो कल मैंने ऑर्डर किया था और आज पहुँच गया। यार इतना जो पहली दफ़ा आया ना इतनी तेज़ ऑर्डर आया, क्योंकि ये असल में था पिंडी का ही, पिंडी से ही मतलब जो था ऑर्डर किसी ने देना था। तो अभी खोल के देख लेते हैं, ये मैंने स्लीव्स मंगवाई हैं, जो हाथों में पहनते हैं ना हाथ काले वगैरह हो जाते हैं अगर आपने हाफ शर्ट पहनी हुई है, तो इससे ये होगा कि अगर मैं जिस तरह इन टाइप चलाने के लिए जाता हूँ ना, तो उसमें ये होगा कि फिर मुझे हाफ टी शर्ट में पहन लूँगा और ऊपर स्लीव पहन लूँगा, वरना तो स्पेशल मुझे ना फुल बाजू की शर्ट पहननी होती थी कि मेरे हाथ काले ना हो। तो अभी इसको खोल लेते हैं और फिर आपको रिव्यू करके बताते हैं भाई किस तरह के। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ये देख सकते हैं रफा भाई अनबॉक्सिंग करें, पैकिंग तो अच्छी की हुई है ये इसके अंदर है। ये देखिए पैकिंग थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि पुरानी है, लेकिन ये अच्छी की हुई है लोगों ने। जिप भी है। ये देखिए ये हमारे क्या आ गए स्लीव्स आगे दिखाएं, पूरे छोटे लग रहे हैं तो मुझे। ये वो नहीं है हाथ वाले, नहीं है ये सिंपल है। नहीं जो ऑर्डर दिए थे वो वाले नहीं आए हमारे पास, है ना। अभी इनको पहन के देख लेते हैं। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक करें, ये आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने पहने हैं, पहले हम ऐसे ही हमने ना उनको 2 सेकंड के अंदर कह दिए कि जी जो चीज़ मंगवाई है वो आई नहीं है। बीच में ये छोटा सा मतलब ये 2 सुराख थे, ये इस तरह बंदा ना पहन सकता है। तो इससे ये होता है कि अगर मैं इन टाइप जिस तरह जाता हूँ ना, तो हाफ टी शर्ट मैंने पहनी, यहाँ पे अगर परना वगैरह पहन लिया साथ ये पहन लिए, तो इससे ये होगा कि हाथ वगैरह ना मेरे काले नहीं होंगे। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग भी दराज के ऊपर जाएँ, लिखे स्लीव और मैन, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, ठीक है। अभी नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह नमाज पढ़ के वापसी भी मिलते हैं। Later. तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के मैं आ गया हूँ, ठीक है, जहर की। तो सीनियर के भी समी भाई से पूछते हैं कि भाई उनका क्या रिजल्ट आया, मतलब तकरीबन कितने दिन हो गए समी रिजल्ट आए हुए हैं? कितने दिन हो गए? 2-3 हफ्ते हो गए रिजल्ट आए हुए, 3 हफ्ते हो चुके हैं, ठीक है। तो व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, तो मैंने कहा यार आज इससे पूछते हैं, क्योंकि इसके दोस्त वगैरह भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे थे बहुत ज़्यादा कि यार इसका क्या रिजल्ट आया, तो अभी इसे पूछते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आया। तो गए यार समी अभी को मैंने बुला लिया, समी कितने आपके नंबर हैं बताओ ज़रा, अब फायदा तो नहीं है मतलब अब पता तो लग गया कितने हैं, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं कितने आए। 835 दिखाओ भी, 835 स्क्रीन शॉट मतलब दिखा दो, अगर लिया होगा गैलरी के अंदर होगा ना स्क्रीन शॉट, गैलरी के अंदर होगा ना हमने लिया था। तो माशाल्लाह से यार समी के जो नंबर आए हैं वो आए 835, ठीक है। मैंने इसको सच्ची बात है, आप लोग व्लॉग जाके देखने, मैंने इसको कहा था कि अगर आपके 80% नंबर आएंगे तो मैं आपको 1000 रुपये दूँगा, आपने कहा था 70 आए फिर भी दूंगा, इसके 76% है, तो अब इसको 500 रुपये मिलेंगे और 500 रुपये मैं इसको दूंगा, ठीक है। और मामा और पापा ने भी इसको 1000 रुपये देने हैं, तो अभी सीनियर है कि ये सर्च कर रहे हैं, देखो ना जल्दी करो स्क्रीनशॉट में होगा ना, स्क्रीनशॉट में अभी इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं फिर बताता हूँ कि भाई इसका ना मतलब क्या क्या सीन है, मामा लोगों ने और पापा ने इसको 1000 रुपये देने और मैंने इसको 500 दूंगा मैं, ठीक है। 1000 रुपये नहीं है, 500 के माशाल्लाह से 835 आए, उम्मीद तो ज़्यादा थी कि 80% आएंगे, लेकिन चले 76 भी अच्छे, इतने बुरे नहीं है। अब इसका एडमिशन वगैरह हम देखेंगे कि क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, दूसरी तरह से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए समी भाई सर्च कर रहे हैं एनिमल एग्जामिनेशन में, और ये आ गए माशाल्लाह पप्पू बच्चे, ये चेक करें, इस पे वो तस्वीर पे ज़ूम करना, तस्वीर पे ज़ूम,
यार ये देखें माशाल्लाह फुल पप्पू बच्चा है, और ये इसके नंबर देखें कितने 835 माशाल्लाह क्या बात है। समी भाई फिर आप तो माशाल्लाह पास हो गए हैं, ए ग्रेड आ गई है। अहमद भाई की तरफ से इनाम है, कितने इनाम दे रहे हो? 20 रुपए दे दो, 20 रुपए ये 20 रुपए आपके हो गए अहमद भाई के। जी मैं किसी एकेडमी नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। अच्छा ठीक है। 2000 years later. खैर यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये समी भाई का रिजल्ट आया जो मैंने आप लोगों को बताया। मतलब जो व्लॉग था हम लोगों ने पहले बनाना था, लेकिन पहले ये था कि समी भाई मेरे से नाराज हुए हुए थे एक दो दिन के लिए, तो रुको जरा उससे दिन सबर करो। तो फिर उस दिन हमने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, वरना उसी दिन बनाना था। दूसरा ये था कि मैं मामू के साथ गया हुआ था वहाँ पे F5 ना, तो वहाँ पे उनको जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा ना काम वगैरह मिला हुआ, तो हम वहाँ पे बिजी थे सारे, तो इस वजह से फिर हमने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दें। Jamal.